और अब खबर बांग्लादेश से, जहां पर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आग ने कहर बरपाया है। यहां के पॉश इलाके में आग लग गई, जिसमें 3000 से ज्यादा दुकानें जलकर खाक हो गई। 60 सेकंड में देखिए ये रिपोर्ट। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आग का भयंकर तांडव देखा गया, जिससे पूरे शहर में हाहाकार मच गया। आसमान में उड़ते आग की विनाशकारी शोले देखकर आप इससे हुए विनाश लीला को समझ सकते हैं। आग की एरियल तस्वीरों में साफ नजर आ रही है कि कैसे पूरा का पूरा मार्केट इसमें झुलस गया। हादसा ढाका के मशहूर कपड़ा मार्केट बंगा बाजार में लगी थी। इसकी चपेट में आकर करीब 3000 दुकानें स्वाहा हो गई। यहां जिन कारोबारियों की दुकानें थी, वो बदहवास रोने चीखने लगे। कई कारोबारी तो आग के तांडव के बीच दुकान के सामान निकालने की कोशिश करते रहे। भयानक आग को बुझाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर लग गया। फायर ब्रिगेड के 600 फायर फाइटर्स, दमकल की कई गाड़ियां और सिविल डिफेंस की 48 यूनिट आग बुझाने में लगी रही। विनाशकारी आग को बुझाने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को भी काम पर लगाया गया। आग बुझाने के लिए हेलीकॉप्टर के जरिए पानी छोड़ा गया। करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। ये हादसा क्यों हुआ, किस वजह से आग लगी, इसकी जाँच के लिए 5 सदस्यों की टीम बनाई गई है।